और इसी के साथ अनुराधा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ उनके परिचय के साथ, जो जुड़ चुकी हैं हमारे साथ इस समय। सादर नमस्कार अनुराधा नमस्कार दुबे पूजा जी। जी। नमस्कार। मैं एक छोटे से परिचय में कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास करती हूँ, यद्यपि आपका परिचय पढ़ने के बाद उसे बांध पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं भी यहाँ पर। पूजा जी, अनुराधा जी, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर हरीश नवल जी, नमस्कार। आपका सादर प्रणाम। अनुराधा जी, आप एक अंतरराष्ट्रीय कथक कलाकार हैं। मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ, इस कवियत्रियों के साहित्य साधिकाओं के पटल पर जो इस समय हमारे समक्ष हैं, इतने सुंदर फीचर्स जो आप देख पा रहे हैं, इतने एक्सप्रेसिव, इतने भावों से परिपूर्ण जो आपको ये चेहरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जी हाँ, आप एक अंतरराष्ट्रीय कथक कलाकार हैं। दूरदर्शन रायपुर में समाचार वाचिका भी हैं। आप एक अभिनेत्री हैं और नेटफ्लिक्स मूवी चमन बहार में कार्य कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ढेरों ऐसी कुछ शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ अन्य भी हैं जिनका जिक्र आप ही करें तो बेहतर है। मैं लिखती तो फिर शायद आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता। आप इतना ही नहीं, आप छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में जनसंपर्क अधिकारी भी हैं। कोविड के दौरान तनाव मुक्त रहने के लिए जीवन यापन किस प्रकार करना चाहिए, इसके लिए आप कार्यरत हैं, और ऑनलाइन आपका प्रयास या किस तरीके से आप प्रयासरत हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस पटल पर, इस विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके पटल पर। मैं आप जैसी कलाकारा का, ऐसी साहित्यकारा का बिल्कुल स्वागत करती हूँ, दिल से नमन है आपको। स्वागत है अनुराधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और नवल सर स्वागत कर रहे हैं, ये मेरे लिए क्या बहुत बात ही है, सौभाग्य देखिए और हमारा। सर को मैं अपना साहित्य के क्षेत्र में मैं अपना एक आदर्श मानती हूँ। जो भी जी लेखन का कार्य शुरू हुआ है, नवल सितारे जो समूह है उससे जुड़ने के बाद मैंने लिखना शुरू किया है। गाहे क्या बात बगाहे है, मैं करती थी, लेकिन इस तरह का लिखना और उसे संजोना और उसे अभिव्यक्त करना ये मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो बहुत से साहित्य इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सब का स्वागत और मैं अभिनंदन करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ, क्योंकि सभी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। और आज के इस संध्या की हम शुरुआत करेंगे गणतंत्र के महापर्व पर। आप सभी को बधाई और शुभकामनाओं के साथ। बिल्कुल आपको भी। आज गणतंत्र का महापर्व है, तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत हम एक भारत माँ की वंदना से बिल्कुल कुछ बिल्कुल, स्वागत लाइन। है, स्वागत। और योगिता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कुशल संचालन की बात की, आपने स्वागत किया आदरणीय अनुराधा दुबे जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इससे पूर्व कि आप शुरू करें, अनुराधा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रमणीक मोहानी जी लिखते हैं कि कमाल है नृत्य और कवित्व का, मणि कांचन संयोग है। क्या बात क्या है। बात। और योगिता त्यागी खलीफा जी कहती हैं, लाजवाब प्रस्तुति, उत्कृष्ट संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी आपका। हाँ जी कही पूजा, इस अनुराधा जी, संचालन बहुत ही बेहतरीन है। चूंकि मैं भी एक एंकर हूँ, तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ, बहुत ही बढ़िया और संचालन। हरीश जी कहते हैं ऑलराउंडर अनुराधा जी। तो चलिए, आपको ये उपाधि मिल गई है, ऑलराउंडर अनुराधा जी। जी जी, नीलू मेहरा जी लिखती हैं, आदरणीय पूजा जी तथा आदरणीय नैना जी, बिल्कुल सहमत हूँ आदरणीय हरीश जी के बारे में आपने जो भी कहा, सभी मैं हमसे सहमत होंगे बिल्कुल। आज कितने भी सकुचाए हमारे डॉक्टर हरीश नवल जी, लेकिन ये बात सत्य है, प्रमाणित है, और दिल से आपके लिए है, नमन है आपको बार बार, वाकई में जी। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बीच में रोकूंगी अनुराधा जी, माँ भारती के लिए जो कुछ समर्पित करना चाहती हूँ, स्वागत है, जय हिंद। धन्यवाद। शीर्षक है पहली कविता का, जी, अभिनंदन है भारत माँ का। त्याग क्या बात, समर्पण और बलिदान, त्याग समर्पण और बलिदान, मेरे देश का है अभिमान। त्याग समर्पण और बलिदान, मेरे देश का है अभिमान। इस देश की पावन माटी से जुड़ा है मेरा स्वाभिमान।
इस देश की पावन माटी से जुड़ा है मेरा स्वाभिमान। वाह। इस पावन धरा की माटी में मिली हुई है मेरी पहचान। इस पावन धरा की माटी में मिली हुई है मेरी पहचान। जब तक जीऊं हे भारत माँ, तेरा ही गुणगान करूं मैं। जब तक जीऊं हे भारत माँ, तेरा ही गुणगान करूं मैं। तेरी ही भक्ति में लगाऊं अपनी शक्ति में। तेरी ही भक्ति में लगाऊं अपनी शक्ति में। देशभक्ति से, देशभक्ति की ज्वाला से नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करूं मैं। देशभक्ति की ज्वाला से नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करूं मैं। हे भारत माँ देना इतनी शक्ति मुझे। हे भारत माँ देना इतनी शक्ति कि तेरे वंदन को सदा गुनगुनाऊं मैं। कि तेरे वंदन को सदा गुनगुनाऊं मैं। त्याग और बलिदान, त्याग समर्पण और बलिदान मेरे देश का है अभिमान। इस देश की पावन माटी से जुड़ा है मेरा स्वाभिमान। इस देश की पावन माटी से जुड़ा है मेरा स्वाभिमान। ये बहुत छोटी सी रचना, क्योंकि शुरुआत ही सुंदर कहते हैं ना, दोहे भी तो छोटे होते हैं लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आपकी कविता भले ही छोटी थी, शब्द उसमें आखिर भले ही कम थे, किंतु सच में बहुत ही सुंदर आपने वंदना की माँ भारती की। नमन है आपको। और वैसे भी नीता जोशी जी भी लिख रही थी जय माँ भारती, हमारे इस पूरे कार्यक्रम का नाम ही वाणी माँ भारती रखा गया है। तो नीलू मेहरा जी कहती हैं, अभिनेत्री, कथक नृत्यांगना, जनसंपर्क अधिकारी, कवयित्री, स्वागतम, आपका स्वागत है। जी अनुराधा जी, पूजा जी, हौसला अफजाई जब होती है तो दिल के जो उद्गार है वो व्यक्त करने में उसका जो मजा है, उसका जो सुख है, सुकून है, वो दुगना हो जाता है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को। प्रोत्साहन हम सबको चाहिए, हर एक को चाहिए, छोटे बच्चों को ही नहीं, हम सबको चाहिए प्रोत्साहन। जी बिल्कुल। तो चलते हैं एक कोरोना का भीषण दौर में, जब सेकंड फेज जब इसका चल रहा था तब बहुत ज्यादा मैं आहत हुई थी, बहुत से अपनों को खोया था हमने, तो उस वक्त ये कविता मैंने लिखी थी जिसे मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ। शीर्षक है और थे। इस है और थे के बीच काफी कुछ, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है शायद, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब बिल्कुल ठीक आ रही है, बीच में थोड़ा सा कट रही थी, आप पुनः आरंभ करें। जी जी जी, कविता का शीर्षक है और थे। इस है और थे के बीच काफी कुछ दरक गया। इस है और थे के बीच काफी कुछ दरक गया। केवल एक शब्द थे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। केवल एक शब्द ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या फर्क पड़ता है केवल एक शब्द बदल जाने से। क्या फर्क पड़ता है केवल एक शब्द बदल जाने से। बहुत फर्क पड़ता है केवल एक शब्द बदल जाने से। केवल शब्द का फेर प्रत्यक्ष को आभासी में बदल देता है। केवल एक का फेर प्रत्यक्ष को आभासी में बदल देता है। मिटा कर रख देता है प्रत्यक्ष को। मिटा कर रख देता है प्रत्यक्ष को। इस थे ने को मिटाकर, इस थे ने मैं को मिटाकर कितनी ही जिंदगियों को बदल कर रख दिया। यकीन नहीं होता कि हैं कहीं विलुप्त हो गया। यकीन नहीं होता कि हैं कहीं विलुप्त हो गया और थे हमारी जिंदगी में प्रवेश कर गया। एक शब्द का गुम हो जाना जैसे जिंदगी के रंगों का बेरंग हो जाना। केवल एक शब्द के सहारे उन रंगों को अब कैसे तलाशें। इस बेदर्द एक शब्द थे ने किसी का जीवन सूना कर दिया तो किसी का सपना छीन लिया। किसी के सर से ममता का साया उठा लिया तो किसी को अंतहीन इंतजार दे दिया। किसी का दोस्त छीन लिया तो किसी का आसरा मिटा दिया। इस क्या बात है, इस हैं और थे के बीच काफी कुछ बदल गया। इस हैं और थे के बीच काफी कुछ फर्क गया।
जरा बहुत सुंदर करता है, जरा भी दिल नहीं करता, है कि जगह थे को जगह देने का। जरा भी दिल सच करता है कि जगह थे को जगह देने का, लेकिन नियति दिल की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन नियति वाह दिल की बात सुनने को तैयार नहीं। वो तो जैसे सब कुछ मिटा देना चाहती है, वो तो जैसे सब कुछ मिटा देना चाहती है, इस एक शब्द के सैलाब में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है, इस एक शब्द के सैलाब में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। सुख और दुख इन दो शब्दों के बीच सदा झूलते रहते हैं हम पेंडुलम की तरह। सुख और दुख इन दो शब्दों के बीच सदा झूलते रहते हैं हम पेंडुलम की तरह। एक शब्द का बदल जाना जीवन के अर्थ का बदल जाना, एक शब्द का बदल जाना जीवन के अर्थ का बदल जाना, एक शब्द का बदल जाना बरसों के एहसास का बदल जाना। हैं और थे जैसे नदी के दो किनारे, हैं और थे जैसे नदी के दो किनारे। क्या यही नियति है इन शब्दों की? क्या यही नियति है इन शब्दों की? या फिर यही नियति है इस बेशकीमती जिंदगी की? या फिर यही नियति है इस बेशकीमती जिंदगी की? किसे सच माने, हैं को या फिर थे को? किसे सच माने, हैं को या फिर थे को? हम तो हैं को ही सच मानेंगे, हम तो हैं को ही सच मानेंगे, क्योंकि ये शब्द कई रूपों में हमारे साथ होता है सदा, क्योंकि ये शब्द रूपों में हमारे साथ होता। जिस शब्द थे का कोई अस्तित्व ही नहीं, जिस शब्द थे का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसे हम भला कैसे मान लें, उसे हम भला सच कैसे मान लें। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इस हैं और थे के बीच काफी कुछ दरक गया। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इस हैं और थे के बीच काफी कुछ दरक गया, हैं और थे के बीच काफी कुछ बदल गया, काफी कुछ बहुत बदल ही मार्मिक, बहुत ही एक मार्मिक आपने इस कविता की प्रस्तुति की। सच किस तरह कोरोना में सबने अचानक इतनी खबर मिलना, इतने दुखद समाचार कि सच में ओम शांति, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये लिखते लिखते हाथ तक थक गए, मन इतना उदासीन हो गया कि सचमुच कितनों ने कितनों को खोया है। और आपकी इसी बात पर मैं चार पंक्तियां आपके समर्थन में कहती हूँ, इसी काल का एक। किसी ने माँ को खोया है, किसी ने है पिता खोया, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने है पिता खोया, किसी की कोख उजड़ी तो किसी ने हम सफर खोया, किसी की कोख उजड़ी तो किसी ने हम सफर खोया। परम पिता परमेश्वर मांगे क्षमा, अब तो दया कर दो, तड़प उठा है मेरा मन, है हर इंसान अब रोया, तड़प उठा है मेरा मन, है हर इंसान अब रोया। किसी ने माँ को खोया है, किसी ने है पिता खोया। सचमुच बहुत बहुत मार्मिक ये काल रहा है, इसकी पीड़ा शायद हम कभी भी नहीं, जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत हम कभी नहीं भूल पाएंगे इस पीड़ा को। ईश्वर से बस जितने भी लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, उन सभी के लिए एक बार पुनः इस पटल के माध्यम से ईश्वर उन सभी को, उन सभी की पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करें, और हर उस दुखद परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें ताकि वे आगे बढ़ सकें। बहुत ही मार्मिक, सचमुच बहुत बहुत मार्मिक। और रमणीक जी लिखती हैं,
सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, विधि का विधान मानना पड़ता है, बिल्कुल। और नीलम जी लिखती हैं, स्वागत है नीता जी और नरेश जी आप दोनों का भी। और अंजू खरबंदा जी लिखती हैं मार्मिक, और नीलम जी लिखती हैं करुण भाव भरी पंक्तियां, हरीश जी लिखते हैं पूजा जी बेहतरीन, धन्यवाद धन्यवाद। मन की पीड़ा है जब उभर कर सामने आती है तो शायद सहृदय में जाकर सीधी दिल की बात लगती है, बिल्कुल जी। आप अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाएं अनुराधा जी, सच में आपने बिल्कुल बहुत बहुत संवेदनशील ऐसा विषय एकदम छेड़ दिया इतना मार्मिक चित्रण करके कि भाव विभोर होना जायज है बिल्कुल सभी के लिए। जी सुनाइए। जी पूजा जी, कलाकार जो होता है बहुत संवेदनशील होता है, बिल्कुल साहित्यकार बहुत संवेदनशील होता है, और जब जी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं मन को चोट पहुंचती है। चाहे बिल्कुल हमसे इस संसार से विदा लिया, वो हमारे अपने हो या हमारे देश के किसी भी हिस्से के हो, किसी भी बिल्कुल को, लेकिन वो हैं तो हमारे ही देश के, हमारे ही अपने। तो बिल्कुल एक ठीक दिल बिल्कुल का जो ठीक भाव उड़ता है वो एक मन को आहत कर देता है इस तरह की घटना से, सही बात और चल पड़ती है इन्हीं सब संवेदनाओं को मन बिल्कुल। में और मैं ग्रहण आपको कर। बताऊं अनुराधा जी कि ईश्वर कृपा से मेरे अपने परिवार में आसपास कहीं ऐसा कोई दुखद समाचार नहीं मिला ईश्वर कृपा से, लेकिन जो आसपास देखा वाक्य में वो दिल दहलाने के लिए बहुत था। बहुत उससे ही ज्यादा अगर हम इतने कंपित हैं, हमारी आत्मा इतनी बुरी तरह झकझोर चुके हैं, मतलब क्या कहें, ईश्वर सभी का साथ दे, अपना आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर सब पर बनाए। जी बिल्कुल अनुराधा जी क्षमा चाहती हूँ, आपके काव्य यात्रा को मैंने बीच में इस तरह बात बाधित किया। जरूरी है, बातचीत होना बहुत जरूरी है, जी माहौल जो है वो बना रहता है। जी हरीश ने लिखा है कुछ आपका काव्य पाठ आगे बढ़े। धन्यवाद, जी आशीर्वाद है तो ये आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, चलिए एक माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं, विषय को बदलते हैं, और बिल्कुल जीवन साथी के लिए कुछ लिखा है उसे मैं स्वागत आप स्वागत स्वागत। शीर्षक है, मैं बन जाऊं मोती माला तुम बन जाना। क्या बात है मैं बन जाऊं मोती माला तुम बन जाना, हर एक रंग दिखे प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। हर एक हाँ रंग प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। बहुत मैं ठीक बन जाऊं सीपी सागर तुम बन जाना, मैं बन बिल्कुल जाऊं सागर तुम बन जाना, मिटकर भी रंग दिखे प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। बात है बहुत ठीक मैं बन जाऊं नैया खेवैया तुम बन जाना, लहरों हाँ में खिले प्यार का। मैं बन जाऊं नैया खेवैया तुम बन जाना, लहरों में रंग खिले प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन बहुत का ताना बाना। खूब बहुत सुंदर मैं बन जाऊं राधा कान्हा तुम बन जाना, मैं बन जाऊं राधा कान्हा तुम बन जाना, चटक रंग दिखे प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, चटक रंग दिखे प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। बिल्कुल वाह मैं बन जाऊं शक्ति ढाल तुम बन जाना, मैं बन हाँ जाऊं शक्ति ढाल तुम बन जाना, हिम्मत का रंग दिखे प्यार में, हिम्मत का रंग दिखे प्यार में, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, क्या ऐसा हो बात जीवन है ताना क्या बाना। बात है बहुत खूब बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर रचना। ऐसा ही होना चाहिए, जीवन का ताना बाना बना रहे। और नीता जोशी जी भी कहती हैं जीवन का ताना बाना बहुत खूब। सुनाओ अब कुछ रंगीन ऐसी फरमाइश आई है नीलम जी नहीं। की। नहीं। और आगे बढ़ती हूँ। मैं जी बिल्कुल बन जाऊं परछाई स्वागत तुम बन जाना, मैं बन वाह जाऊं छाया परछाई तुम बन जाना, विश्वास का रंग दिखे प्यार में, विश्वास का हाँ रंग दिखे प्यार में, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा बहुत हो खूब जीवन का ताना बाना। बहुत मैं बन खूब जाऊं बारिश सावन तुम बन जाना, मैं वाह बन जाऊं बारिश सावन तुम बन जाना, हरा भरा हो रंग प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन वाह
गाना गाना। मैं बन जाऊं मुस्कान तुम बन जाना, मैं बन जाऊं खुशी मुस्कान तुम बन जाना, खुशियों का हो रंग प्यार में, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। तुम आगे रहना इसी तरह, तुम आगे रहना, मैं चलूंगी साथ तुम्हारे, कस्मे वादे प्यार वफा सब निभाऊंगी मैं साथ तुम्हारे, कस्मे वादे प्यार वफा सब निभाऊंगी सब साथ तुम्हारे, ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। क्या बात, क्या जीवन होगा यदि ऐसा हो जीवन का ताना बाना। बहुत सुंदर, अत्यंत मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी नीलू मेहरा जी लिखती हैं जी। धन्यवाद नीलू जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर जी। अनुराधा जी, मनमोहक है तुम्हारा गाना, ऐसा आप ही के सुर में सुर मिलाती हुई नीलम जी ने कहा, मनमोहक है तुम्हारा गाना नीलम जी, उन्हें पढ़ती रहती हूँ, उन्हें सुनती रहती हूँ, और वो भी एक कुशल नृत्यांगना है, तो उन्हें देखती भी रहती हूँ मैं। क्या बात है, बिल्कुल हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव पर। बिल्कुल स्वागत। जब शुरुआत हुई थी तो माँ पर कविता हुई थी, और बिल्कुल बिल्कुल माँ पर कहा था, तो एक ऐसी कविता मैं साझा कर रही हूँ इस मंच से, दोबारा कर बिल्कुल रही हूँ, और इस मंच से जितने भी साहित्य मनीषी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश ने इस कविता को सुना है, लेकिन ये मेरी पहली कविता है सराहना मिली थी, तो इसे मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। स्वागत है अनुराधा जी, स्वागत। है तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ, तुम हो वाह, तो मैं हूँ, इसीलिए तो मैं हूँ। तुम कहाँ नहीं हो हर जगह तो हो, तुम कहाँ नहीं हो हर जगह तो हो, जब मैं खुश होती हूँ तब और दुखी होती हूँ तब भी, जब मैं खुश हूँ तब और दुखी होती हूँ तब भी, अवसाद के क्षणों में और आह्लाद में भी, अवसाद के क्षणों में और आह्लाद में भी, तुम हो हर उस जगह पर जहां मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, तुम हो हर पल में जहां मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत महसूस होती है, तुम हो हर उस जगह पर जहां मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, तुम हो हर उस पल में जहां मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत महसूस होती है, रुनझुन बजती पायलिया के महावर से लिपटे पांव में, रुनझुन बजती पायलिया के महावर से लिपटे पांव में, कजरारी आंख मीठी मनुहार में, कजरारी मीठी मनुहार में, सुर्ख बिंदी के ठीक ऊपर सिंदूरी रेखा में, सुर्ख बिंदी ठीक ऊपर सिंदूरी रेखा में, चूड़ी की खनक और ममता के आंचल में, चूड़ी की खनक और ममता के आंचल में, वाह धन्यवाद। तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं हो हर रूप में हर आकार में, नारित्व में श्रृंगार में, अनंत अथाह में, हर जगह तो हो तुम कहाँ नहीं हो हर रूप में हर आकार में, नारित्व में श्रृंगार में, अनंत में अथाह में, हर जगह तो हो, तुम हो तो क्या मैं भी हूँ, तुम हो तो क्या मैं भी हूँ, हाँ तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ, हाँ तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ, मेरा वजूद मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व मेरा अभिमान, मेरा वजूद मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व मेरा अभिमान, तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ, तुम हो इसीलिए मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने उसे कभी नहीं देखा जिसे किसी ने भी नहीं देखा, जिसे किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें तो देखा है, लेकिन क्या बात है, देखा है, तो क्या तुम वही हो, तो क्या तुम वही हो, हाँ माँ तुम वही हो बिल्कुल वही, प्यारी माँ तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ, प्यारी माँ वाह वाह इसीलिए तो वाह, मैं, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाकई में माँ को शब्दों में बांधना आसान नहीं है, लेकिन माँ के लिए जितना कहा जाए उतना कम, और सही बात है, हर बेटी अपनी माँ की परछाई ही मात्र है।
बहुत ही सुंदर। और नीता जोशी जी पटल पर सभी का स्वागत कर रही हैं, वंदन अभिवादन कर रही हैं। और नीलू मिश्रा जी कहती हैं, नीलू मेहरा जी कहती हैं, मैं बन जाऊं मोती तुम माला बन, ऐसा ही जीवन का ताना माना जो आपने इससे पूर्व अपनी रचना प्रेषित की थी उस पर। धन्यवाद। और बाकी मैं माँ के लिए तो क्या कहना, बहुत खूब अच्छा किया आपने ये यहाँ पर जी, आगे इस काव्य यात्रा को बढ़ाते हैं जी। बिल्कुल, पूजा बहुत जी, ही कभी सुंदर कभी काव्य पाठ कर रहे हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं और हमें महसूस होता है कि बहुत कुछ करने के बाद, बहुत रचनात्मक होने के बाद, बहुत क्रियाशील होने के बाद, वक्त ऐसा है कि बहुत कुछ हमसे छूटता भी जा रहा है। और बिल्कुल जब ऐसा महसूस होता है तो लेखनी चल पड़ती है और कुछ शब्द जो है वो अभिव्यक्त हो उठते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं बिल्कुल, सुनना चाह रही हूँ। शीर्षक है रेत। रेत वाह से आगे बढ़ती हूँ। सब कुछ जी, छूटा जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह, सब कुछ छूटा वाह जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे खुशियां जो अब क्षणिक आती हैं, केवल एहसास कराने को कि कभी हमसे गुलजार थी बगिया। जैसे हाँ खुशियां जो अब क्षणिक आती हैं, केवल एहसास कराने को कि कभी हमसे गुलजार थी बगिया। जैसे वाह सब जो टूटने लगे हैं ये कहते हुए कि अब डोर मजबूत नहीं रही। जैसे सपने जो टूटने लगे हैं ये कहते हुए कि अब डोर मजबूत नहीं रही। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। हाँ, बात, कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे विश्वास, आजकल का जो माहौल है, जो जिस तरह की जो हवा चल रही है उस पर ये बिल्कुल कटाक्ष है। जैसे बिल्कुल विश्वास जो खत्म होने लगा है ये कहते हुए कि अब तो उतार लो मुखौटों को। जैसे विश्वास जो खत्म होने लगा है ये कहते हुए कि अब तो उतार लो मुखौटों को। जैसे प्यार जो अब मिटने लगा है किसी और की गिरफ्त में समाकर। जैसे क्या प्यार बात, जो अब मिटने लगा है किसी और की गिरफ्त में समाकर। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह, मुट्ठी क्या से बात, रेत। जैसे बहुत खूब, बचपन जो बीता जा रहा है अब किसी सूने कोने में। समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें बालपन जो है वो कहीं ना कहीं बचपना खोता जा रहा है, उस बिल्कुल पर ये बिल्कुल, लाइन। जैसे बचपन जो बीता जा रहा है अब किसी सूने कोने में। जैसे इंतजार जो अब सिमटने लगा है घड़ी के धीमे पड़ते कांटों में। जैसे वाह इंतजार जो अब सिमटने लगा है घड़ी के धीमे पड़ते कांटों में। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। बहुत जैसे खूब, साया जो अब साथ छोड़ने लगा है। धन्यवाद। जैसे साया जो अब साथ छोड़ने लगा है तेज रोशनी की चकाचौंध में। जैसे साया जो अब साथ छोड़ने लगा है तेज रोशनी की चकाचौंध में। जैसे वक्त जो अब कहने लगा है कि मैं तुम्हारा नहीं रहा। जो अब कहने लगा है कि मैं अब तुम्हारा नहीं रहा। नहीं रहा, हाँ, अब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे इच्छाएं जो अब दबने लगी हैं समझौतों के पहाड़ में। जैसे इच्छाएं जो अब दबने लगी हैं समझौतों के पहाड़ में। जैसे जीवन जो अब खत्म होने लगा है जीने की चाह में। जैसे जीवन जो अब खत्म होने लगा है जीने की चाह में। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। क्या अब भी कुछ बाकी है? क्या अब भी कुछ बाकी है? हाँ, आस अब भी बाकी है। आस अब भी बाकी है गीली मुट्ठी में दबी रेत की तरह। हाँ, क्या बात, आस बाकी है गीली मुट्ठी में दबी रेत की तरह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सचमुच ये आस ही है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है निरंतर।
ये आस ही है जो जीवन को जीने लायक बनाए रहती है। बहुत खूब, आप तो आस को एक मोती की तरह निकाल लाई है सागर से। बहुत खूब, पूजा जी, इतनी सुंदर कविता। और रेत के पास वाकई में मोती ही निकाला आपने। सागर की गहराइयों से आप, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कविता। और माँ का प्यार अनंत है, और आपके लिए ढेरों बधाइयां आ रही हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं आपके लिए। सभी का आशीर्वाद यहाँ इस पटल को मिल रहा है। जी बहुत बहुत अनुराधा जी, सभी साहित्य मनीषियों की जिनका इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं वाकई आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ज्यादा धनवान हो गई हूँ। बहुत सी पूजा बिल्कुल के पास आ गई है, सबके स्नेह की, सबके आशीर्वाद की, सबके। पटेल का भी सौभाग्य है कि आज आप यहाँ आए, और अपनी सच में इतनी सारगर्भित पंक्तियों से आपने किस तरह सराबोर कर दिया हम सभी को अपने इस परिणीता सिन्हा जी भी अग्रिम हमारी कवयित्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत करती हूँ परिणीता जी, और कुछ समय बाद आपको बुलाती हूँ। अभी आपके पास समय है अनुराधा जी, और सच में आपको सुनते जाने का दिल है। और आपकी हर कविता के बाद, आपकी हर बात के बाद लगता है समर्थन में अपनी भी पंक्तियां रखूं, किंतु आपको सुनने में इतने इतने सम्मोहित हो चुके हैं कि सच में ये लालच है हमारा, स्वार्थ है कि हम केवल आपको सुनना चाहते हैं इस समय नहीं, आप। आपको भी सुना। नहीं, मैं तो करती रहूंगी, मेरे पास बहुत समय है, लेकिन अभी जो आपका समय शेष है, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप बोले और आप अपनी अगली कोई रचना हमारे समक्ष रखें। दो रचनाएं मेरे पास हैं, आप कहें तो मैं उनमें से एक सुना या फिर दोनों। आप दोनों सुनाइए, आप दोनों सुनाइए अनुराधा जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो जी चलिए, समय और नहीं लेते हुए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। जी है तू चल कि तेरे साथ हूं मैं, तू वाह, चल कि तेरे साथ हूं मैं, ये शीर्षक जिस आस की आपने बात की थी, बस उसी आस को आप आगे बढ़ा रही हैं इसी कविता के साथ। तू चल कि तेरे साथ जी। हूं मैं। इसके पहले मैं स्त्री पर एक सुनाती, मुझे लगता है बिल्कुल, एक स्वागत है आपका, जैसा हो आप गया चाहें, ना। स्वागत है आपका। जी अनुराधा जी जो सागर में से मोती ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, उनके लिए प्रतीक्षा तो बनती है। कुछ समय भी लगे तो कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा ही होना है। जी स्त्री पर एक कविता मैंने लिखी थी। स्वागत। कविता क्या है, समाज में जो हम अपने चारों तरफ जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को हम, जी जिन बातों को हम करते हैं, तो उस पर कुछ ये शब्द निकल कर आए हैं जिसे मैं जी आप सभी से साझा कर रही हूँ। स्वागत शीर्षक है, स्वागत। स्त्री नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार, नहीं चाहिए तुम्हारी और ना ही सत्कार, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन समाज में कुछ बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जो स्त्री मान के दृष्टि से नहीं देखते, तो ये उनके लिए कटाक्ष। बिल्कुल नहीं बिल्कुल हमारी पूजा और ना ही सत्कार, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। जी नवरात्रि के 9 दिनों में क्यों करते तुम उपवास, नवरात्रि के 9 दिनों में क्यों करते तुम उपवास, हम पर भी तो शुभ दृष्टि डालो, क्यों करते हो तुम उपहास, हम पर भी सही तो बात, शुभ दृष्टि डालो, क्यों करते हो तुम उपहास, नहीं वाह चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार, वाह, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। कैसे हमने कपड़े पहने, कैसे किया श्रृंगार, कैसे हमने कपड़े पहने, कैसे किया श्रृंगार, अब शब्दों के तीर चलाते, लार टपकाते नहीं अघाते, अब शब्दों क्या के बात, तीर चलाते, लार टपकाते नहीं अघाते, ताका नहीं लग बंद करो तुम, ताका झांकी बंद करो तुम, क्या यही है शिष्टाचार, नहीं वाह। चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। क्या शक्ति की बात, तुम आराधना करते, शक्ति की तुम आराधना करते, उस पर नर्मदा ही शक्ति आजमाते,
शक्ति की तुम आराधना करते, उस पर ही शक्ति आजमाते, लक्ष्मी की तुम कामना करते, उसकी ही तुम अस्मत लूटते, काली को तुम ना चाहते, काली को तुम साधना चाहते, उस पर ही मर्दानगी जताते, सरस्वती की उपासना करते और उसे ही गालियां देते, नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरकार, क्यों हो तुम्हें सरोकार, स्त्री को ही जानते, धन्यवाद पूजा जी, स्त्री को तुम दे ही जानते, क्यों नहीं उसे इंसान मानते, क्यों नहीं उसे इंसान मानते, कन्या का ढोंग रचाते, कन्या पूजन का ढोंग रचाते, भ्रूण हत्या को तुम अपनाते, नन्ही मासूम अबोध कलियां, नन्ही मासूम अबोध कलियां, चीख मची है हर घर गलियां, नन्ही मासूम अबोध कलियां, चीख मची है हर घर गलियां, नोच हसोट कर उसे रौंदते, मन ना भरे तो गला रेतते, नोच हसोट कर उसे रौंदते, मन ना भरे तो गला रेतते, ऐसी पूजा ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा ऐसी भक्ति, इसी में निहित तुम्हारी शक्ति, नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार, क्यों हो तुम्हें सरोकार। क्या बात, बहुत खूब। और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि केवल चंद लोगों के लिए ऐसा है जो ऐसा समझते हैं, क्योंकि ऐसे भी इस पुरुष प्रधान समाज में डॉक्टर हरीश नवल जी यहाँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और नरेश चंद्र जोशी जी जैसे भी पुरुष इस समाज में हैं जो आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर एक वैश्विक पटल पर हमारा साथ दे रहे हैं। एक बार पुनः उन्हें नमन करती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत आपने अपनी जो रचना यहाँ पर रखी और जो कटाक्ष किया, ऐसी मानसिकता पर प्रणाम है उसे, सच बहुत खूब, बहुत सुंदर पूजा जी। और ये है मेरी जी, जी स्वागत है। तू चल मेरे साथ हूँ मैं, है वक्त की ये आंधियां, खूब है इनमें खामियां, है वक्त की ये आंधियां, नारी सशक्तिकरण का जमाना है और नारी सशक्त बनाने के लिए पुरुष वर्ग भी लगा हुआ है, तो जब उस तरह का मिलता है तो वास्तव में नारी सशक्त होती हैं और मुखर होकर आवाज भी बुलंद करती हैं, तो ये वही मुख्य आवाज है जो मैं साझा कर। वक्त की ये आंधियां, खूब है इनमें खामियां, ने दे इन्हें नादानियां, तू न मुड़ कि तेरी ढाल हूं मैं, तू चल कि तेरे हाथ हूं मैं, तू चल कि तेरे हाथ हूं मैं, कंटक राहों में बिछाने वाले, कंटक राहों में बिछाने वाले, ताज कांटों का पहनाने वाले, कब चूके हैं जो चूकेंगे अब, कब चूके हैं जो चूकेंगे अब, तू मुस्कुरा कि तेरी ढाल हूं मैं, तू चल कि तेरे साथ हूं मैं, तू चल कि तेरे साथ हूं मैं, बीत जाएगा ये पल जैसे बीत गया है कल, बीत जाएगा ये पल जैसे बीत गया है कल, हौसला रख यही हौसला, तू निकल कि तेरी ढाल हूं मैं, तू चल कि तेरे साथ हूं मैं, तू चल कि तेरे साथ हूं मैं, वक्त वो भी आएगा, धन्यवाद पूजा जी, वक्त वो भी आएगा, कोहरा भी ये छंट जाएगा, वक्त वो भी आएगा, कोहरा भी ये छंट जाएगा, जो खड़े हैं हथियार लिए, जो खड़े हैं हथियार लिए, कल फूल लेके आएंगे, तू हंस कि तेरी ढाल हूं मैं, तू चल कि तेरे साथ हूं मैं, तू चल कि तेरे साथ हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। और सच में अभी यहाँ लिखा था नीलम जी ने कि निराशा में आशा की रेखाएं खींच देती है कविता, और आपकी सभी कविताएं वाक्य में इस निराशा में आशा की एक लकीर खींच रही हैं। कहीं ना कहीं अंधेरे में ऐसा आभास होता है कि कोई हाथ अचानक आ जाता है और डूबते को कोई सहारा दे जाता है। सच में बहुत ही खूबसूरत, गंभीर, सारगर्भित आपकी कविताएं अनुराधा जी, आप ही की तरह बेहद खूबसूरत आपकी सभी रचनाएं, बहुत ही सुंदर, आपका बहुत बहुत सुंदर।
इस मंच पे मौजूद सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ, स्नेह के साथ को सुना और मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी आपका।